नमस्कार। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह तिलावत, मैं आपके सामने कुछ विषय को सूचित करना चाहता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि 15 फ़रवरी 2020 में संत सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में मनाने की योजना बहुत ज़माने से चल रही है। आज से 6 महीने पहले जब मैंने बॉम्बे गया था तो अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने मेरी मन की बात उनको सुनाई थी। मैंने कहा कि हम सब लोग संत सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में मनाएंगे। सारे भारत देश के बंजारा समाज के लोग लखीसा बंजारों को उत्तर भारत में मानते हैं, दक्षिण भारत में संत सेवालाल महाराज को मानते हैं। संत सेवालाल महाराज को सारे भारत देश में व्याप्ति करने के लिए उसके संदेशों को, उनके सिद्धांतों को सारे भारत देश में व्याप्ति करने के लिए हमें ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को संत सेवालाल महाराज की जयंती सभी राज्यों में, सभी स्थानों में, सभी घरों में मनाने की योजना हमने बहुत दिन पहले ही चालू कर दिया है। और हमारे मित्र मेंबर पार्लियामेंट जो सांसद है गुलबर्गा के, आदरणीय डॉक्टर उमेश जाधव भी इसी लाइन के ऊपर संत सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में मनाने की उनने पुष्टि किया, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ। और उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, डॉक्टर उमेश जाधव जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, भारत देश के बंजारों के 2 प्रतिनिधियों में से आप एक अच्छे प्रतिनिधि हैं जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से अच्छे संबंध रखते हो। जब मैंने हैदराबाद में होटल राजधानी रेजिडेंस में मीटिंग बुलाई थी तो मेरी सदारत को आपने मान्यता देकर आपने यहाँ आकर सभी राज्यों के लोगों को से मिलकर आपने संदेश दिया था, तब यहाँ के जनता और हमारे सभी प्रतिनिधिगण बड़े संतुष्ट हुए थे। और आज हम ये चाहते हैं कि आपका प्रपोजल को बहुत बड़े पैमाने में करेंगे। आप तो एक मिनिस्टर को बुलाने की बात कर रहे हैं, तिलावत 3-3 मिनिस्टर को बुला के आपके सामने रख देगा और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के तरफ से इसको, अर्थात 15 फ़रवरी 2020 की 281 जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इन मनाने से पहले सभी लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेना था, जैसा कि संजय भाऊ राठौड़ महाराष्ट्र से, प्रभु चव्हाण फ्रॉम कर्नाटक से, सत्यवती राठौड़ फ्रॉम तेलंगाना से, और उत्तर प्रदेश से हमारे जो प्रोफेसर MLA है श्याम बिहारी लाल जी, और हमारे और एक प्रतिनिधि है पंजाब से साधु सिंह धर्मसोत जी, ऐसे सभी नेता लोगों को आप संगठित करके, संग्राह करके, उन्हें बिठा के, उनके विचार लेके और एक राष्ट्रीय स्तर पे हम संत सेवालाल महाराज की जयंती करना, यही हमारी कामना थी, कामना है और इसे संपूर्ण ढंग से हम करना चाहते हैं। हम आपका सहयोग चाहते हैं। मैंने देखा कर्नाटक में आप मुख्यमंत्री को मिलने के जाने के बाद आपने एक प्रेस नोट अर्थात वीडियो रिलीज किया है, जिसमें आप शंकर पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ ऐसा आपने संबोधित किया है। मेरे डॉक्टर साहब, शंकर पवार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और ऑल इंडिया की जो बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2016 में इलेक्शन करवाया 5 साल के लिए, 2 साल के राजू नायक को नियुक्ति मिली, 3 साल अमर सिंह तिलावत को मिला। जब अमर सिंह तिलावत का 3 साल चालू हो चुका है और तो शंकर पवार कहाँ से आ गए बीच में, इनको कौन मान्यता दिया है? ऐसी फेक जो नकली और फर्जी अध्यक्ष के साथ आप घोषणा करना आपके लिए शोभा नहीं देता। आप जनप्रतिनिधि है,
जनता के दिलों को, नेताओं को आप जो है ना जानकर ऐसा विचारधारा लोगों के सामने रखना आपकी जो है ना सोच की ऊंचाई का एक आदर है। लेकिन मेरे देखने में ये आया है कि आप जिस ढंग से बर्ताव किया है वो कोई दुनिया पसंद नहीं करती है। पैसा तो कोई भी कमाता है, पैसा के बल के ऊपर संघ की सेवा नहीं हो सकती है। संघ की सेवा तो मनोनिष्ठा के साथ होती है। जो आदमी मनोनिष्ठा के साथ संघ की सेवा करता है दुनिया उनको मानती है। आप जानते हैं आज तक हमारे 67th ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का फाउंडेशन डे हम दिल्ली में मनाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 67 सालों में आपने केरला में कभी यूनिट नहीं बनाई, तमिलनाडु में नहीं बनाई, गोवा में भी नहीं बनाई, लेकिन अमर सिंह तिलावत अध्यक्ष बनने के बाद तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, राजस्थान, आपके बेंगलुरु सिटी अर्थात कर्नाटक में भी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की नई बाड़ी का गठन हुआ है। आप जानते हैं नई बाड़ी की गठन से बंजारा समाज में नई ऊर्जा का जन्म लिया है। नौजवान उपंग अच्छे सोच विचारों से उमंग से उड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक पैसे वाले आदमी को अपने पड़ोस में रख के, अपने बाजू में बिठा के और उसे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के संबोधित करना समाज को ये बर्दाश्त की बात नहीं है, ये अइष्टता की बात है और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप बड़े समझदार आदमी हैं, अगर कोई अनजाने में कोई ऐसी बात हो गई है तो उनको आप दूर करें, क्योंकि समाज संगठन के साथ है। अभी हमारे दो प्रतिनिधि है, एक प्रतिनिधि हमारे तेलंगाना से है, कल्पना का नाम छा छोरी राम एम पी नाम कहीं कविता कविता माड़ोत कविता माड़ोत हमारे एमपी है। और आप दो ही लोग हैं जो कि अच्छे ढंग से इस चीज़ को आप बंजारों के ऊपर जो घटनाएं घटती है उनके ऊपर आपको पार्लियामेंट में बात करना है। जैसे कि कर्नाटक का इशू है और कर्नाटक में जो सदासेवन आयोग का जो रिपोर्ट के बारे में और उसको कैसे आगे ले जाना वो आपका काम है। वैसे ही तेलंगाना राज्य में गोंड आदिवासी और बंजारा आदिवासी के बीच में जो डिस्प्यूट आया है इस डिस्प्यूट को भी आप पार्लियामेंट में उठाने की अभी तक कोशिश नहीं किया है। कृपा कर बंजारों की समस्या को लेकर आपको पार्लियामेंट में बात करना है। मैं खुश हूँ कि आपने गुलबर्गा में संत सेवालाल महाराज के स्टैचू को ध्वंस कर दिया गया तब आपने पार्लियामेंट में बात किया था, उसकी पहले प्रशंसा करने वाले, आपको खिताब देने वाले, आपके पीठ थपथपाने वाले जो है ना ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह तिलावत से। और इतना ही नहीं बल्कि गुलबर्गा जैसे गांव में आकर साधु संतों के साथ बैठ के आप भी वहाँ उपस्थित थे, आपने अपने भाषण में भी ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमर सिंह तिलावत, तो मुझे अफसोस ये होता है तब गुलबर्गा के इशू में तिलावत पर्सनली आकर आपको जो है ना इशू के बारे में और संत सेवालाल का नामकरण एक एयरपोर्ट को देना, ऐसा जो है ना मजबूत धर पकड़ के जो है ना काम करता है और अपने विचार स्पष्ट सरकार के सामने रखता है, ऐसे नेता को आप इतना जल्दी कैसे भूले? भूले तो भूले, अपना ये भूलन तरीका है इसे आप बाजू रखिए। और शंकर पवार कोई अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि राजू नायक और तिलावत के बीच में, अमर सिंह तिलावत के बीच में असिस्टेंट चैरिटी कमीशन मुंबई में केस चल रहा है। उनकी जो रिपोर्ट दाखिल की गई है चेंज रिपोर्ट राजू नायक की, अभी उसको मान्यता नहीं मिला है। उस पर जब मेरा कार्यकाल जब चालू हो गया है तो मैंने मेरा चेंज रिपोर्ट दाखिल कर दिया है, अभी फैसला बाकी है।
दो महीने के अंदर वो फैसला भी आ जाएगा। लेकिन जब फैसला जुडिशरी में चलता है तो हम नेता लोगों को एक गिने चुने एक अच्छे जानकार नेता को किसी आलतू फालतू आदमी को अध्यक्ष घोषित करना, स्वयं को अध्यक्ष बोलने वालों को जो है ना आप साथ में लेके घूमना, बंजारा समाज कभी माफ़ नहीं करता। और ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारा नेता सही ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पहचानते हुए, आप जानते हैं आप तो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर स्टेट से लेकर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारियों में कार्यकारी अध्यक्ष को आप योग्य है, आपको वो पद दिया गया है। मेरी तरफ से आपसे निवेदन है आप इस कार्यक्रम को कीजिए, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के बैनर पे ही कीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ एक मातृ संस्था है। इस मातृ संस्था के तत्वधान में ही हमारे सभी कार्यक्रम होना चाहिए, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे संबंधी ऑर्गेनाइजेशन है और हम उन ऑर्गेनाइजेशन की पहचान करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलने का काम ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का है और ऑल इंडिया बंजारा के नेतृत्व आज अमर सिंह तिलावत कर रहा है। तब आप विदाउट द कंसल्टेंसी तो नहीं बोलता मैं, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस में लेके सभी नेता लोगों को, सारे भारत के नेता लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ विचार विमर्श करके हमें संत सेवालाल के विचारों को किस ढंग से प्रचार में लाना चाहिए। और संत सेवालाल एक महायोगी महापुरुष और विश्व के जाने माने नेताओं में हैं, उनकी बहुत सारी अच्छे अच्छे संदेश है जो समाज के लिए बहुत उपयोगकारी है। उनके उनमें से खासकर आप जानते हैं कि उसमें सबसे पहले वो कहा कि कटोरे से पानी बिकेगा। आज हम देखते हैं वो ज़माने में तो बातोला नहीं थी, कटोरा ही एक मापदंड था, तो संत सेवालाल की वचन सिद्ध हुआ है। तो लोग ये जानते हैं कि सेवालाल के विचारधारा बहुत अच्छे हैं। जब उसने कहा कि हमारी गाय का बैलों के सोने के सिंग हो जाएंगे, उसका अर्थ ये है कि बैल गो माता इतनी महंगी हो जाएंगी कि लोग जो है ना गो माता की रक्षा करना कठिन आने वाला है, इसलिए गो माता की रक्षा करने का उनका संदेश है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि पानी में बिजली, पानी से दिया जलेगा, ऐसा संदेश 300 साल पहले ही कह दिया, जब 200 साल पहले ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सिस्टम इस दुनिया में जोड़ा गया, पहचाना गया, इन्वेंट कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी के बारे में उसने कहा क्या, और जंगल के बारे में, महिला है इस देश की राज करेगी, ये बात उसने बहुत पहले ही कहा है, महिलाओं को प्रतिनिधि आज मिलने वाली बात हम कर रहे हैं। तब के आप ये और भी जानते हैं कि पर्यावरण परिरक्षण के लिए उसने कहा क्या कहा, उसने कहा आप जंगल को जाओ, नीली मत काटो और सूखी मत काटो, लकड़ी बिन वापस मत आओ, ऐसा उनका संदेश है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जंगल को जाके लकड़ी नहीं काटना, जो सड़ी हुई है नीचे गिरी हुई है उन लकड़ियों को लाना और अपना ज़रूरत पूरी कर लेना, खाना बना लेना, अपना खाने के इस्तेमाल में करना, ऐसा उनका संदेश है। पर्यावरण परिरक्षण में और पानी के बारे में, बिजली के बारे में, राजयोग के बारे में, ऐसे महान वक्ता की सही दिशा, उनके प्रवचनों को हम प्रचार करने का अत्यंत आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ आप हमारे भारत देश में एक ही ऐसे व्यक्ति हो जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से जुड़े हुए हो। और अभी हमारे एमपी यहाँ से आई हैं जो टीआरएस पार्टी की है, वो तेलंगाना से आई है कविता जी, तो इन सभी लोगों के साथ मैं दिल्ली में एक बैठक बुलाने वाला हूँ। कृपा कर आप भी उस बैठक में आइए और आपके विचार उसमें रखिए। आप अपने
एक अकेला दौड़ेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। पैसे की ताकत पे दुनिया को जमा कर सकते हैं, लेकिन सही संत सेवालाल के वचन को आप निभा नहीं सकते, और संत सेवालाल के विचारधारा से आप अलग चलने की कोशिश मत कीजिए। सबको लेकर चलिए, सबको मिला के चलिए, सबके साथ चलिए, आपको गौरव होगा, आपकी शान बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, सरकार में आपका नाम रहेगा। हम आप ये भी जानते हैं, आप जब आप पहले पहले पार्लियामेंट में कदम रखे हैं, तब हमने ही पहले आदमी हैं आपको मंत्रिमंडल में लेना, आप हमारा एक बंजारा प्रतिनिधि को उसमें शामिल करना बोल के हमने अपने लेटर हेड के ऊपर लिखकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश किया है। आइंदा भी हम तेरी प्रगति के लिए, तेरी उन्नति के लिए, तेरी पहचान के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आप रास्ता भटक के काम मत कीजिए, यही मेरा संदेश है। और आपको मेरा संदेश को आप मैं क्यों दे रहा हूँ आप इसको समझो। मैं पिछले 3 दिन से लगातार आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कम से कम मिस्ड कॉल से आप देखकर ये कौन बंदा फ़ोन कर रहा है, किसके लिए फ़ोन कर रहा है। जब मेरा ही फ़ोन नहीं उठाते आप, तो साधारण आपके एरिया के जनताओं का फ़ोन उठाएंगे तो आप फिर से चुनकर आओगे, वरना आप नई नई मुसीबतों का सामना करना, समाज का सर झुकाना हो जाएगा। ऐसा झुकने से समाज को बचाइए, समाज का सर नीचा मत कीजिए, सबको साथ लीजिए, सबके साथ चलिए। हम तेरे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो समाज सब जो है ना आपके साथ रहेगा, ऐसा संदेश देते हुए आप फ़ोन नहीं उठाए तो नहीं उठाए, कम से कम ये संदेश को आप सुन लीजिए। आप नहीं सुन सकते, आपके साथियों को दोस्तों के साथ सुनकर आपको बोलेंगे, तब तो भी आप मेरे नंबर को आप फ़ोन करो, और जब हम मीटिंग बुलाते हैं दिल्ली में, कृपा कर उस मीटिंग में आप हाजिर होंगे बोल के मैं इस वीडियो द्वारा आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। आइए, वेलकम टू ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ ऑर्गेनाइजिंग 67th फाउंडेशन डे इन दिल्ली। इससे सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की ओर से 15 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम को, संत सेवालाल जयंती को, 281 जनवरी को कामयाब बनाने के लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा।